एसोसिएट क्रिकेट फैंस, आर यू मिसिंग क्रिकेट? जी हाँ, ये सवाल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसोसिएट टीम्स के मैचेस या तो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं या फिर कैंसिल किए जा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा लगातार तीन ट्रांजिशन सीरीज जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग में थी वो पोस्टपोन्ड हो गई। वो बात और है कि उसमें वहां पे कोरोना जरूर हो जा रहा है, लेकिन बाकी टेस्टिंग रीजन के लिए कोरोना नहीं हो रहा है। पता नहीं वहां पे कोरोना रीजन क्यों नहीं हो रहे प्लान कैंसिल होने के, वहां अगर हो भी रहा तो शिफ्ट हो जा रहा है, मैच हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट भी हो रहा है तो भी कैंसिल। पहले स्कॉटलैंड में होना था, फिर वो स्पेन में कर दिया गया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया है। ये बातें बात की बात है, ये आईसीसी को इसमें बेटर वो समझेगी और बोर्ड्स बेटर समझेंगे। हम यहाँ पे आपके लिए क्या है कि आखिर एशियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो क्रिकेट को कितना मिस कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे हमें उम्मीद हमें ये भी लगता है कि जाहिर सी बात है आप भी काफी मैचेस मिस कर रहे होंगे। इंटरनेशनल मैचेस देखने की बात ही और होती है, अब चाहे कितने भी लीग्स देख लें, कितने भी क्रिकेट देख लें, अपनी अपना देश जब एक इंटरनेशनल मैच खेलता है उसकी जो फीलिंग है वो कोई चीज भी उसको पार्ट नहीं सकती, चाहे कितने भी लीग्स हो, चाहे इंग्लिश प्रीमियर लीग हो या कोई भी लीग हो, आईपीएल या फिर कोई भी लीग हो, इंटरनेशनल मैचेस की बात बिल्कुल अलग होती है। यहाँ बात एशियन टीम्स की हम लेके कर लें, अगर हम ये मैचेस का आकलन लगाएं कि आखिरी इनके मैचेस एशियन टीम्स के आखिरी मैचेस कितने कितने टाइम पहले हुए थे, तो उससे अंदाजा लगेगा कि आखिर कितना ज्यादा एक एशियन टीम्स के जो फैंस है वो क्रिकेट को मिस कर रहे हैं। जल्दी से सबसे पहले दो टीमों को ले लेते हैं, ओमान और यूएसए। इन्होंने अपनी आखिरी ओडीआई T20 कब खेले थे उससे क्या का अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ओमान की अगर बात करें तो बिल्कुल सही कहा, टाइम तो काफी लगता है, February 2020 में लास्ट ओडीआई खेला था ओमान। जी हाँ, फरवरी 2020 में लास्ट ओडीआई, और T20I की बात करें तो हद ही हो जाती है, October 2019 ये था ओमान का आखिरी T20I, स्कॉटलैंड के खिलाफ था। तो 2 साल तकरीबन होने को आए हैं और कोई T20I ना है और ना ही ODI। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितना लंबा गैप है, स्पेशली जैसे कि हमारा फोकस स्पेशली ओडीआई पे होता है, तो स्पेशली ओडीआई में आप देख सकते हैं 1.5 साल का गैप कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। मेरे ख्याल से ये सीरीज जो फरवरी की हम बात कर रहे हैं, शायद ये नेपाल और यूएसए भी इसमें थे। जी हाँ, ये ट्रांजिशन सीरीज, तो कितना लंबा गैप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल टीम है, बात करते हैं यूएसए की। बिल्कुल, यूएसए की बात करें तो यूएसए ने भी February 2020 में ही ऑब्वियसली सीरीज में अपना आखिरी ओडीआई खेला था, और T20I की बात करें तो अरसे हो गए, August 2019 वर्सेस कनाडा, इतनी देर साल पहले खेला था, आने वाले अगस्त में 2 साल हो जाएंगे, तो 2 साल तो होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तो कोई T20I है ही नहीं यूएसए का। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि 1.5-2 साल का गैप है इतना, इतने में तो जो बाकी टीम्स हैं, टेस्ट नेशंस हैं, उन लोगों के 60-70, 70-80 मैचेस हो जाते हैं, कितने उनकी टैली इंक्रीज हो जाती है। ये तो बात हो गई ओमान और यूएसए की। चलिए जल्दी से और टीमों के बारे में भी आपको बताते हैं, नामीबिया, PNG, ये दो टीम्स के बारे में जानते हैं, इनके लास्ट ओडीआई और T20I कब हुए? बिल्कुल, देखिए PNG की अगर बात करूं तो इस भाई बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ इन पे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हम सुनने में आ रहा है कि नेपाल की सीरीज होगी, तो कहीं ना कहीं अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरी ये स्माइल निकल रही है, आईसीसी पे ये हंसी आ रही है। बिल्कुल, September 2019 से मैच होता है इनका आईसीसी, तब कराता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि PNG सब चाहते हैं क्रिकेट खेलना। September 2019 कोई डर नहीं है कब होगी, और T20 भी आप सोच रहे होंगे चलिए T20 तो हुआ होगा, नहीं सर, T20 भी नहीं हुआ है, November 2019, चलिए 2 महीने तो कम से कम आगे है, लेकिन कोई क्रिकेट नहीं है PNG में, जबकि वहां की लीग्स हो रही है, इसका मतलब क्रिकेट तो खेल सकते हैं, ऐसा वो भी चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट आईसीसी की तरफ से शायद प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, और दो सिर्फ एक ही चीज को दिया जा रहा है, COVID-19। खैर जो भी हो, PNG का ये था अब तक का, और अब आप दूसरी टीम को देखते हैं, जी हाँ नामीबिया की बात करते हैं, उनके लास्ट ओडीआई और T20 आके कब हुए? नामीबिया का मैं कहूंगा कि सिचुएशन बेटर है, जी हाँ बेटर है, 2020 में January 2020 में ओडीआई हुआ था UAE के खिलाफ, जी बहुत साल हो गए, ओडीआई को तो टाइम हो गया, ओडीआई को तो टाइम हो चुका है, ओडीआई में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल सही कहा आपने, और T20 की बात करें तो April 2021 इसी साल युगांडा के खिलाफ, चलिए चलिए हुआ तो है, ध्यान तो है कि हाँ भाई नामीबिया भी टीम है, इनका भी क्रिकेट कराना है। ये बात हो गई युगांडा नहीं, नामीबिया और PNG के बारे में। अब जान लेते हैं नेपाल, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड, जी हाँ, और UAE भी है, इन 4 टीम्स के बारे में भी जान लेते हैं कि इनके मैचेस आखिर कब कब हुए थे और कितना टाइम इन लोगों को हो चुका है। पहले जान लेते हैं नेपाल और स्कॉटलैंड के बारे में।
बिल्कुल, नेपाल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं देखिए ओडीआई में यहाँ भी टाइम फरवरी 2020 उनको तो मालूम ही होगा सर, बताने की इतनी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए T20 में आ जाऊँ तो फिर भी चलिए इसी साल April 2021 में T20 तो हो रहे हैं, उम्मीद है ऐसी उम्मीद तो है कि ओडीआई शायद अब जाके नेपाल खेले इतने साल, 1.5 साल के तकरीबन बाद। जैसे कि सितंबर में एक सीरीज होनी है ओमान यूएसए और नेपाल के बीच में, यूएसए भी खेल जी हाँ, तो यूएसए का भी वहां पे हो जाएगा। चलिए फाइनल, लेकिन गैप आप देख सकते हैं सितंबर तक होते होते ऑलमोस्ट 2 साल का गैप है, अब 2-2 साल बाद ओडीआई सीरीज खिलाएंगे यार, इसमें हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगी, आप खुद सोच के देखिए हंसी वो वाली हंसी की मतलब तंज वाली हंसी, वो भी आईसीसी पे, अजीब बात है। खैर चलिए स्कॉटलैंड की बात कर लेते हैं। बिल्कुल स्कॉटलैंड तो मैं कहूंगा बिल्कुल बड़ी टीम हो गई है, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड इतनी बड़ी सपोर्ट ज्यादा करती है, ये काबिल तारीफ है, खुल के सपोर्ट करती है 2021 आयरलैंड के खिलाफ, लकी है इस मामले में स्कॉटलैंड की आयरलैंड के खिलाफ नीदरलैंड के खिलाफ ओडीआई लास्ट खेली थी, और टी ट्वेंटी आई की अगर मैं बात करूं तो बहुत नसीब खराब है स्कॉटलैंड, 2019 अक्टूबर 2019 वर्सेस ओमान, ये इनका आखिरी मैच था जो इन्होंने खेला था, अभी भी इंतजार है स्कॉटलैंड को T20 सीरीज का या मैच। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी काफी लंबा गैप नजर आ रहा है। दो टीम्स और बची हैं, यूएई और नीदरलैंड्स, जान लेते हैं कि इनमें से कौन सी वो टीम है जिनके ओडीआई और T20 में कितना गैप हो चुका है, लेकिन इतना शायद आपको ही पता और हमें ही पता है कि जितनी भी एशियाई टीम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रिकेट अगर किसी टीम ने अभी हाल फिलहाल में खेली है तो शायद वो ऑरेंज टीम नीदरलैंड्स ही हो। बिल्कुल सही, नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पे June 2021 में जी हाँ आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई हुआ था, आप सभी को याद होगा, और बिल्कुल अप्रैल में, तो ताजा याद है इसलिए याद है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑरेंज टीम नीदरलैंड ही है जिन्होंने दोनों ही फॉर्मेट में काफी क्रिकेट खेल चुके हैं अभी तक। तो नीदरलैंड के बारे में आपको ही पता है सबसे ज्यादा, थैंकफुली नीदरलैंड एक टीम को तो काफी क्रिकेट खेलने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूएई, बिल्कुल यूएई की बात करें तो January 2021 में ओडीआई खेला था आयरलैंड के खिलाफ, जी हाँ चलिए अच्छा इस साल खेला है, ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन T20 की बात करें तो February 2020 में कुवैत के खिलाफ उन्होंने लास्ट मैच खेला था, काफी वक्त हो गया है इसको। एक बात यहाँ जल्दी से कहना चाहूंगा, स्कॉटलैंड 2019 में T20 खेला था, वर्ल्ड कप आ रहा है स्कॉटलैंड का, ये देखते हुए हैरानी होती है कि स्कॉटलैंड को मैच ज्यादा देने चाहिए और स्कॉटलैंड को T20 ज्यादा खेलना चाहिए हाल फिलहाल। जी हाँ, उनसे उनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बेटर होगी क्योंकि उनको T20 मैचेस की भी जरूरत है, अभी ये कम से कम बोर्ड्स की तरफ से पहल कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और आईसीसी से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे या तो आप कोई नया बहाना ढूंढिए सीरीज पोस्टपोन करने का एशियाई टीम का, या फिर मैच सीरीज करा दीजिए। अजीब बात है कि बाकी 9 जगह भी दौड़ना है लेकिन वहां सीरीज कैंसिल नहीं होती, पोस्टपोन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हो जाती है, थोड़ी हैरत की बात होती है। इसमें हैरत क्या है, उसमें तो रीजन भी पता है हमें, खैर आपको टीआरपी चाहिए, आपको पैसे चाहिए, जो टेस्ट एडमिशन ज्यादा देते हैं, घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। खैर लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज इनके मैचेस ज्यादा से ज्यादा कराइए, पोस्टपोन कराने का अब ये जो सिलसिला है थोड़ा स्टॉप करिए, या फिर कोई नया बहाना ढूंढिए कैंसिल करने का, क्योंकि एज अ क्रिकेट फैन, एशियन क्रिकेट फैन या फिर रियल क्रिकेट फैन जिन्हें क्रिकेट देखना पसंद है काफी मिस कर रहे हैं वो इन क्रिकेट्स को। और इतना मैं जरूर कह दूं, शायद आप भी सहमत होंगे, टेस्ट नेशंस के जो प्लेयर्स की जो सीरीज होती है अब उनसे ज्यादा छोटे देशों के मैचेस में क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलता है। क्रिकेट कहाँ हो रहा है, बड़े क्रिकेट का मैं भी देखता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ, घटिया क्रिकेट हो गया है बड़ी टीमों का, कुछ टीमें भी बची है अच्छा कॉन्टेस्ट देती है। अब इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज उठा के देख लो, अब ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सीरीज उठा के देख लीजिए क्या हाल है, श्रीलंकन टीम का क्या हाल है, वेस्ट इंडीज ओडीआई और टेस्ट में तो खत्म ही हो गई है, तो इन्हीं का मैच देखने में मजा आता है जब ग्रिपिंग हो, शॉर्ट स्कोर हो, थोड़ा स्कोर हो, 160 एक ऑल आउट है, दूसरी टीम 8-9 विकेट, ये होता है मैच क्वालिटी क्रिकेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए क्रिकेट के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आएंगी, और वीडियो को लाइक जरूर करिए इस एफर्ट के लिए, और क्रिकेट को ज्यादा मिस मत करिए, बहुत ही जल्द बहुत सारा क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है, उम्मीद तो यही होने वाला, कम से कम आईसीसी इस पर तो ध्यान जरूर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।